तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए फटाफट हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। म्यूजू 16S Pro। तो दोस्तों, ये फोन 28 अगस्त को तक आ सकता है, बट ये इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला है गाइस, ये सिर्फ चाइना के लिए है। तो भी आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट रहे, इसके लिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इंडिया में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन 855+ मिलने वाला है, जो कि अभी नया प्रोसेसर है, फ्लैगशिप लेवल का है, जबरदस्त प्रोसेसर है गाइस। और ये प्रोसेसर के साथ हमें इस फोन में रैम देखने को मिलने वाली है 8 GB की, और उसके साथ ही 128 GB की इंटरनल स्टोरेज होने वाली है गाइस। और ये 128 GB एक वेरिएंट होने वाला है, और दूसरा वेरिएंट 256 GB के साथ आने वाला है। और ये दोनों भी 128 GB और 256 GB UFS 3.0 स्टोरेज के साथ आने वाला है, जो कि फास्ट स्टोरेज होने वाला है, बहुत फास्ट है। UFS 3.0 इसका डिस्प्ले हमें अच्छा देखने को मिलने वाला है, उसमें 19Hz रिफ्रेश एमुलेट डिस्प्ले होने वाला है गाइस, जो कि 19Hz रिफ्रेश, इसका मीनिंग होता है 1 सेकंड में वो डिस्प्ले 90 टाइम रिफ्रेश होता है गाइस, 90 बार रिफ्रेश होता है, जो कि आपको फास्ट इमेज प्रोसेस होती है, आपको फुल फास्ट इमेज देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, डिस्प्ले में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है। और दोस्तों, इसमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसका मेन सेंसर होने वाला है 48 MP का। तो यही शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन थी गाइस इस फोन के बारे में, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, बिकॉज ये फोन हमारे इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला है, ये सिर्फ चाइना के लिए गाइस, बट आप अपडेट रहो, इसके लिए ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद।